मैं और विपिन नैना देवी जा रहे हैं माथा टेकने के लिए, और मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। तो चलते हैं, पहले विपिन के पास पहुंचते हैं और उसके बाद चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सफ़र। अभी हम नैना देवी के नीचे बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं, और ये देखो यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है भाइयों। और अभी मंदिर वो रहा ऊपर टॉप पे बादलों के बीच, भाई कितना प्यारा व्यू है। और अभी आज हमारा ड्राइवर देखो विशाल, जो कि आज बाइक चला रहे हैं, और मेरे साथ आज विपिन आ रहे हैं। और अभी हम क्या काम है, पहले एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, पहले एम्प्लॉयमेंट में चलते हैं, नाम दर्ज करवाएंगे। नाम दर्ज करवाएंगे, अभी तक किसने नाम दर्ज ही नहीं करवाया है। तो अभी चलते हैं यहाँ से। तो अभी जहाँ से लिफ्ट जाती है ऊपर मंदिर को, वहाँ पर आ चुका हूँ मैं। और ये देख तो यहाँ का व्यू, कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है यहाँ पे। मास्क लगा के जाएं। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, वो रही लिफ्ट जो कि ऊपर को जा रही है। तो अभी हम जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराने के लिए। तो ये रहा आपका एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे हम नाम दर्ज करवाने के लिए आते हैं, श्री नैना देवी जी। तो अभी जा रहे हैं नैना देवी में ऊपर, आज हम बाइक से जा रहे हैं। यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है, और ये देखो पहाड़ियाँ छोटे छोटे। तो ये लोग आए, पहुंच चुके हैं हम नैना देवी मंदिर के पास। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे बाइक खड़ी की है, और अभी आप देख सकते हो अपन पहुंच चुका है मंदिर के नीचे। तो यहाँ की मार्केट ये रही आपके सामने, यहाँ पे लोग प्रसाद लेते हैं। ये बाइक पार्किंग यहाँ पास ही में, तो आप कभी भी बाइक पे आओ तो यहाँ पे पार्क कर दो, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही लगती है रोड पे, तो आपकी बाइक को नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। तो अपनी बाइक सेफ लगाएं, 20-40 रुपए में क्या जाता है।
हम भी अभी पार्किंग में लगा के आए बाइक को। तो अभी आप देख सकते हो ये रही कार पार्किंग, यहाँ पे कारें खड़ी की जाती है। और अभी मैं अभी लिफ्ट के पास जा रहा हूँ, लिफ्ट शायद बंद है, लाइट ही चली गई है यहाँ की। तो प्रसाद हमारे अंकल जी से लेके जाइए, कोई भी यहाँ पे आ गया वो। तो यहाँ से नीचे को आप देख सकते हो, देखो कितना प्यारा व्यू है। और ये लिफ्टें अभी खड़ी है यहाँ पे क्योंकि लाइट चली गई है। नीचे की जाती है जहाँ से मैं आपको बता रहा था, नीचे बारी बारी नीचे नीचे से ऊपर को आती है। अच्छा, और यहाँ से सतलुज नदी, और ये चल पड़ी है। और ये देखो लिफ्टें जा रही है यहाँ से, लाइट आ चुकी है। अभी हम नीचे से आ रहे थे तो लाइट नहीं थी, वहाँ लिफ्ट में आए। तो देखो गाइस, आप नीचे से लिफ्ट में भी आ सकते हैं अगर आपको पैदल चलने में कोई दिक्कत हो। कितने रुपए टिकट होगा इसका? 200 रुपए पर बंदा, 200 है नीचे एक ही तरफ का ना? एक तरफ का 200 रुपए लगता है। अब जो पैदल नहीं चल सकता उसके लिए ये लगाई गई है, लेकिन 200 रुपये लगाना पड़ेगा आपको भाई, तब आप ऊपर पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पे आप, तो अभी यहाँ पे तकरीब 2 लगी हुई है। तो अभी ये रही ऊपर लिफ्ट, तो आज धूप भी बहुत है, एक दिन से धूप का वेट कर रहे थे हम। अभी यहाँ से जाती है लिफ्ट, यहाँ पे लोग बैठते हैं, वेट किया जाता है यहाँ पे। यही है, यहीं से ही लिफ्ट जाती है नीचे को। तो भी यहाँ पे बंदर देख सकते हो आप, सारे खाते भी नहीं है। हेलो हेलो, तो वो रहा मंदिर, अभी पारली तरफ जाके। वैसे व्यू देख सकते हो आप कितना प्यारा आया है आज। तो अभी आ तो वो देखो नीचे गांव, और अच्छा यहाँ से है वो, है ना, ये रही गुफा नीचे नैना देवी वाली माता की। तो आज लोग कह रहे हैं कि बंद है, इसलिए हम आपको आज नहीं दिखाएंगे गुफा, नीचे जाके बंद है। तो अभी नीचे से आपको कुछ सीन दिखाता हूँ, अच्छे अच्छे व्यू। और यहाँ पे देख सकते हो मंदिर भी है माता का, और यहाँ पे पानी मिल चुका है हमें पीने के लिए। तो भाई तो यहाँ पे लोग लिफ्टें देखने के लिए खड़े हुए हैं, वो जा रही है लिफ्ट, देखो। तो यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा लो, ये चली गई एक, वो देख सकते हो। तो
तो अभी गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे, एक दिन से गर्मी का वेट कर रहे थे, बारिश थमी तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, ज्यादा ही गर्मी हो गई है आज, गर्मी बहुत हो चुकी है। तो कैसा लग रहा है आपको इस गर्मी में? बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे तो, और मजा आ रहा है वैसे, मजा आ रहा है, ऐसा व्यू कहाँ नजर आएगा हमें, पर गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ही ज्यादा है भैया। लोकेशन बड़ी अच्छी है वैसे, धूप कड़ आज दो तो यहाँ बंदर खाने के लिए पड़ रहे हैं, घर आ रहे हैं हमें। तो अभी गुफा के पास गए थे और गुफा बंद, क्यों बंद है? और आज देख सकते हो बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, और ये रही मेन मार्केट। तो अभी मंदिर में पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा क्योंकि आज बहुत ही रश है। तो यहाँ पे आप दुकानें देख सकते हो, दुकानें लगी हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है या फिर ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड और पूछना है देवाना क्या भी करना है, मेरी भी बहन है चल भी पर तो यहाँ पे बैठते हैं, ये बैठने के लिए बनाया गया स्थान, और इससे और इसके साथ ही यहाँ पे एक ताल है, सिर्फ पानी मिली है। तो अभी बहुत ही लोग मंदिर में माथा टेक के आ रहे हैं, और अभी चढ़ाई बहुत है, शुक्र इतनी था पिक्की, शुक्र हम पीछे से नहीं आए, बहुत ही लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और ये है धर्मशाला, यहाँ पे मिलते हैं कमरे रहने को अगर आपको कहीं रात हो जाती है। और यहाँ पे लगते हैं लंगर, ये रहा लंगर, यहाँ पे अभी लाइनें लगी हैं, हमारा तो नंबर नहीं आएगा, हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। भाई आप बोल रहे थे कि लंगर खा के जाएंगे, देखो लाइनें लगी अभी। और अभी अभी दो तीन दिन पहले यहाँ पे मेले ख़त्म हुए, चैन माला लेके चकड़े लेके बस भाई। ऊपर चढ़ते चढ़ते गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूछो मत। अच्छा रहा हम बाइक पे आए नीचे से, हैं अगर नीचे से पैदल आते तो भाई पता लगता, मैं तो ये है छोटी छोटी गलियों से गुजरना पड़ता है तब जाके कहीं हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और तो ये रहा नैना देवी मंदिर, अभी हम मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे भीड़ देख के तो ऐसा लग रहा था कि कहीं अंदर हमसे जाया नहीं जाना,
से भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा है भाई। वो कहाँ पे गए ये किस लिए? तो यहाँ पे बहुत ही घूमती हुई नजर आ रही है। तो अभी जा रहे हैं अंदर। लगी ना और खुले दर्शन कराए होते हैं ये रहा आपका मंदिर नैना देवी मंदिर, जो कि एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। आपको अगर ज़्यादा भीड़ हो तो इन लाइनों से जाना पड़ता है यहाँ से। अभी तो यहाँ पे डंडा रखा है क्योंकि बाहर से लोग जाते हैं अंदर की ओर। भाई क्या हुआ, गर्मी लग रही है? मैं तो भाई बिल्कुल शांत हूँ इस टाइम। जिन्होंने इधर कूलर लगाया हुआ है लोगों के लिए, जो कि गर्म हो के आते हैं विशाल जी ठंडे हो रहे हैं। और चलते हैं, चलो आ जाओ। और अभी बहुत ही कम भीड़ है यहाँ पे। नीचे तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी अंदर, तो यहाँ पे भीड़ बहुत है भाई। यार यहाँ पे भीड़ है यार, इधर इधर तो देखो भाई लाइनों पे लगे हैं अभी। ये रहा नैना देवी का मंदिर, जो कि मेन मंदिर है का मंदिर। अभी हम माथा टेक के अंदर से आ चुके हैं और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसके लिए मैं बाहर से ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये रहे मंदिर, यहाँ पे क्या होता है, शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। तो ये रहा शिव जी का मंदिर। जय माता, जय माता। ये देखो ए? नहीं यार, तो यहाँ जीवना मोड़ का, जहाँ से जीवना मोड़ ने छलांग लगाई थी, और जो गेट ये रहा ये रहा वो गेट जहाँ से जीवना मोड़ में छलांग लगाई थी। तो ये रहा भाई वो गेट जहाँ से जीवना मोड़ ने छलांग लगाई थी नीचे को। नीचे आप देख सकते हो कैमरा में तो ऐसे लग रहा है जैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हवन पड़ता है। पीपल का पेड़ जहाँ पे लोग, ये छोटे छोटे मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। जय जय हो बजरंग बली, जय हो गणेश। और ये रहा पीपल का पेड़। यहाँ पे हमारे विपिन जी को मौका मिला है फोटो खींचने का, और विपिन जी तो फोटो खींचने में वहाँ से अंदर की ओर आते हैं।
तो यहाँ से मंदिर तो यहाँ पे इस पीपल पे कहा जाता है कि जब ज्वाला जी यहाँ पे आती है तब यहाँ पे हर एक पत्ते पे जोत जग जाती है, सारे पीपल के पत्ते पे जोत दिए जल जाते हैं खुद ही। और यहाँ पे वही देख सकते हैं जो यहाँ के पुजारी हैं वही उनको ही दिखते हैं यहाँ पे जब वो माता जी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे उनके आने से बहुत ही तूफान चलता है यहाँ पे, और तब यहाँ पे मंदिर भी बंद होता है। और यहाँ पे बहुत सी मान्यताएं हैं लेकिन अभी इतना तो अभी निकल चुके हैं मंदिर के बाहर। भाई गर्मी बहुत है, फोटो खींचने लगी और आंखें बंद। तो आप देख सकते हो वो रहा बस स्टैंड, वो मातृअंचल है कि मातृ सर नीचे मातृअंचल है, वहाँ पे आप ठहरने के लिए रूम ले सकते हो। देखो और यहाँ से पैदल आते हैं नीचे से ऊपर को। करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको मेरा वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। जैसा कि आप सबको पता है आजकल गर्मियों के मौसम है, कहीं कहीं पे छुट्टियाँ और रखी है। और ये रहा मेरा कॉलेज आईटीआई चल गया।